हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मेरे चैनल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। सो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट जो सभी जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके बिना सब अधूरा सा है। सो उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारे एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। जब हमने लॉ किया है और इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, क्योंकि उसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता कोर्ट में भी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एविडेंस एक्ट है वो बहुत पतला सा बियर एक्ट है, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा बियर एक्ट है, बट उसमें एक एक लाइन का इतना बड़ा अर्थ है, उसको बहुत ध्यान से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके कनेक्ट करके तब जाके वो समझ में आता है, क्योंकि वो 1872 का वेयर एक्ट है और जितनी बार हम इस एक्ट को पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, कनेक्ट करके समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी कि साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ है और ये बनकर तैयार तो 15 मार्च 1872 को ही हो गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल 1 सितंबर 1872 को हुआ है होल ऑफ इंडिया। ओके, इसमें 3 भाग हैं, 11 चैप्टर हैं और 167 टोटल सेक्शन। एक्ट नंबर जो है वो फर्स्ट है, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सो इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेंगे, जैसे इसको ड्राफ्ट किसने किया है, इसके फादर कौन है। इंडियन एविडेंस को ड्राफ्ट किया है सर हेनरी मैन ने, और इसके जो जन्मदाता, जो फादर माने जाते हैं, वो है सर स्टीफन जेम्स। ओके, ये जो लॉ है ये प्रोसीजरल लॉ है। ओके, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, सारा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे क्या, और ये बोथ सिविल पर क्रिमिनल पर दोनों पर लागू होता है। दूसरी बात इसमें है, ये लेक्स फोरी विधि है। अच्छा, अब ये लेक्स फोरी क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा हमको। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, वो एक लेक्स फोरी विधि है। तो लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है, लेक्स फोरी एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब हम समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई जगह है जहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, तो उसकी जगह जो लॉ वहाँ पर चल रहा है वही लॉ मान्य होगा, और वहाँ के लोकल लॉ जो भी वहाँ एग्जिस्ट करता है उस टाइम, अस्तित्व रखता है, उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई चलेगी, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। यदि वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट मान्य नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा लॉ मान्य है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई चलेगी, बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट लिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस वहाँ की लोकल विधि को ही दिया जाएगा जो भी वहाँ पर मान्य होगा। तो ये लेक्स फोरी विधि है, यानी कि ये मिलकर चलती है उसके साथ में, स्थानीय विधि के साथ में। ऐसा नहीं है कि इसको ही हर जगह एप्लीकेबल किया जाए। ओके, इसका मतलब ये है। हम एग्जांपल के लिए एक चीज़ और ले लेंगे, जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ है दो पक्षकारों के बीच में, ठीक है, दो पक्षकार हैं और उन दो पक्षकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है। अब वो डिस्प्यूट भारत में हुआ है और उस पर अमेरिका के न्यायालय में कोई कार्रवाई की जाती है, ठीक है, डिस्प्यूट भारत का है लेकिन अमेरिका के कोर्ट में कोई कार्रवाई की जाती है। डिस्प्यूट भारत का है, भारत के लोगों का है, लेकिन अमेरिका में कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, अमेरिका का साक्ष्य अधिनियम ही लागू होगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस लेक्स फोरी। सो इंडियन एविडेंस इज लेक्स फोरी लॉ। ओके, ये क्वासी जुडिशियल पर एप्लीकेबल नहीं होता, अर्ध न्यायिक कार्रवाई पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये पूर्णतः न्यायिक कार्रवाई पर ही एप्लीकेबल होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे बहुत सारे पॉइंट आएंगे और हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये जुडिशरी एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज एविडेंस एक्ट, कौन सी विधि है, तो लेक्स फोरी विधि है। एविडेंस एक्ट के जन्मदाता कौन है, एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया है, एविडेंस एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ है, एविडेंस एक्ट कौन सी विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके इनको समझा रही हूँ, एग्जाम पर्पस से ही समझा रही हूँ, बाकी हम इस एक्ट को डिटेल में समझ ही रहे हैं। एक केस लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि एविडेंस एक्ट कौन सी विधि है, उसका नाम है दाता छीवा वर्सेस स्टेट, AIRS का 1967 का केस है। इसमें ये बताया गया है कि साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है
और ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भूतलक्षी प्रभाव अब बढ़ आया है तो हम भूतलक्षी प्रभाव को समझेंगे। ये भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है? दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक होता है भविष्यलक्षी, एक होता है भूतलक्षी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये प्रक्रियात्मक विधि है, ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, ये बोला गया। तो हम समझते हैं, जैसे कि आज एविडेंस एक्ट बनाया गया है, लेकिन आज से 2 साल पहले की जो केस लॉ पड़े हुए हैं तब एविडेंस एक्ट नहीं था, आज बना दिया है, अब उनको सॉल्व तो करना है। जो 2 साल पहले के केसेस चले आ रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो तब वो प्रोसीजरल लॉ नहीं था, लेकिन आज है ना, तो वो पीछे एप्लीकेबल होगा। जो पहले के केसेस हैं, वो जितने भी हैं, वो जो सॉल्व किए जाएंगे उन पर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसी को बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव रखना, यानी कि आज बना है लेकिन फिर भी आज अपने से पीछे प्रभाव रखेगा, ओके। और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो भी समझ लेते हैं हम। तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है यानी भविष्यलक्षी प्रभाव, यानी कि आगे जो भी होगा उस पर ये प्रभाव रखेगा कि नहीं रखेगा, तो ये ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है भविष्यलक्षी प्रभाव। तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा भूतलक्षी प्रभाव रखता है। अब इसमें यही सारी चीजें हैं, मैं जैसे जैसे आपको इसके अंदर जाऊंगी डिटेल में, उतने सारे पॉइंट मिलते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। और ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट की यही खासियत है कि इसमें एक एक चीज का अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साक्ष्य किसे कहते हैं, एविडेंस किसे कहते हैं, हम एविडेंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें एविडेंस का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। सो हम समझते हैं, साक्ष्य शब्द की जो उपज है वो कैसे हुई है, एविडेंस EVIDENCE, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द एविडेंस, या इसको बोल सकते हैं एविडेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से दर्शित करना, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर करना, साफ साफ निश्चित करना, साबित करना आदि, ये सारे मीनिंग इसके। और अगर हमें एक स्पष्टली डेफिनेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ये डेफिनेशन जो दी है वो सामंड जी ने दी है, सामंड एक विधिवेता है के अनुसार दी गई है, सामंड जी के अनुसार कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल होता है एविडेंस कहलाता है, यानी साक्ष्य कहलाता है। सो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई एविडेंस है। अब जो साक्ष्य है उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है, तो पहले हम वो भाग समझते हैं फिर उनको डिटेल से समझेंगे। 6 भाग कौन कौन से हैं, वो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य, दूसरा पॉइंट है वास्तविक साक्ष्य एवं व्यक्तिक साक्ष्य, तीसरा है न्यायिक साक्ष्य एवं न्यायिकेतर साक्ष्य, चौथा है प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीय साक्ष्य, पांचवा है प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, छठवा है मूल साक्ष्य एवं अनुसूत साक्ष्य। अब ये 6 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल से बाद में समझेंगे, अभी हम इनको धीरे धीरे सेक्शन बाई सेक्शन चलेंगे तो समझते चलेंगे। एक्ट जब भी हम कोई सा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्ट का उद्देश्य बताया जाता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है। ये 3 चीज़ें हैं कि साक्ष्य विधि, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करने के लिए इसको अधिनियमित किया, ओके। अब हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट, जिसमें ये बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। सो ये इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका विस्तार मतलब पुराना ही है, जम्मू कश्मीर राज्य छोड़ के संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अब तो अमेंडमेंट हो गया है, बट इसमें शायद नहीं हुआ है, लेकिन होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इंडियन एविडेंस एक्ट 4 ऐसे एक्ट हैं सेना न्यायालय के जिन पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। सबसे पहले है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, उसके बाद इंडियन नेवी एक्ट, उसके बाद एयरफोर्स एक्ट। इन एक्ट को छोड़कर, ठीक है, जो मार्शल लॉ हैं, जो जिनके समक्ष कार्रवाई चलती हैं ये एक्ट की, इनको छोड़कर इनसे जो भिन्न सेना न्यायालय आते हैं उन समस्त पर जो न्यायिक कार्रवाई होती हैं उन पर ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन 2 चीज़ें और हैं जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता, यानी कि न्यायालय के समक्ष किसी ऑफिसर के द्वारा शपथ पत्र जो पेश किए जाते हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। और जो आर्बिट्रेटर्स प्रोविजंस होते हैं, यानी जो मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयाँ चलती हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता।
तो ये एविडेंस एक्ट कहाँ लागू नहीं होता ये बता दिया है, और वैसे ये होल ऑफ इंडिया पे लागू है, और कब लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। ओके, उसके बाद है इसका सेविंग्स इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सो इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन 3 में डिफाइन की गई हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि इस एविडेंस एक्ट में जो भी शब्दों या पदों या भावों का प्रयोग किया गया है, जब तक कि कोई और अर्थ ना बताया जाए, सबका अर्थ वही समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब जो शब्द हैं और जो पद हैं इस एक्ट में, उनका मीनिंग जिस भाव के अनुसार बताया गया है वही आशय पूरे एक्ट में समझा जाएगा, जब तक कि कोई अलग अर्थ ना बता दिया गया। जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होते हैं वो हर अधिनियम के स्टार्टिंग में दिए होते हैं। इसके अंदर सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे न्यायालय की डेफिनेशन। सो कोर्ट किसे कहते हैं, न्यायालय किसे कहते हैं, ठीक है। सो न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा सभी न्यायालय, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति न्यायालय कहलाएंगे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि न्यायालय में क्या नहीं आता। सो मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर, ओके, यानी कि आर्बिट्रेटर्स न्यायालय में नहीं आते। जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हैं न्यायालय के अंतर्गत, न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हैं वो सारे व्यक्ति आते हैं, और आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर। सो ये न्यायालय की डेफिनेशन हो गई। सो फ्रेंड्स, हम आज इतना ही समझते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।